हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमबी वास्तु। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में, ज्योमेट्री की कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे आज। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। डेफिनेशंस, व्हाट इज ज्योमेट्री? इसकी डेफिनेशन है, ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद शेप्स, एंगल्स, डायमेंशंस एंड साइज ऑफ ए वैरायटी ऑफ थिंग्स वी सी इन एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट। ए पॉइंट इज ए डॉट मेड बाय ए शार्प पेंसिल ऑन ए पेपर। इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। ये एक पॉइंट है जो एक पेपर पर शार्प पेंसिल द्वारा बनाया गया है। इसकी ना कोई लेंथ है, ना ब्रेथ है और ना ही इसकी कोई थिकनेस है। तो ये है एक पॉइंट। इसकी डेफिनेशन है, ए पॉइंट इज ए डॉट मेड बाय ए शार्प पेंसिल ऑन ए पेपर। इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। नेक्स्ट पॉइंट है लाइन। ए लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस। इट हैज़ नो एंड पॉइंट। इट हैज़ नो डेफिनेट यानी फिक्स्ड लेंथ। ये है लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है लाइन। ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ सकती है और इसकी ना तो कोई फिक्स लेंथ है और ना ही इसका कोई एंड पॉइंट है। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन है, ए लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस। इट हैज़ नो एंड पॉइंट। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये इधर से भी बढ़ रहा है और इधर से भी बढ़ रहा है और इसकी ना ही कोई फिक्स्ड लेंथ है। टाइप्स ऑफ लाइन्स। टाइप ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये जो सीधी सीधी लाइन है इनको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, और कर्व लाइन, ये जो टेढ़ा मेढ़ा जो बनाया है इस तरह से, ये है कर्व, कर्व की तरह बनी हुई है, तो ये है कर्व लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है रे। ए रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट। इट कैन बी एक्सटेंडेड ओनली इन वन डायरेक्शन। इट हैज़ नो डेफिनेट यानी फिक्स लेंथ। इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं है। ये एक एक तरफ से बढ़ सकती है। ये वन डायरेक्शन में बढ़ती है। इसका एक एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से ये एक डायरेक्शन में बढ़ती रहती है। इसको कहते हैं रे, और इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। इस तरफ से एक एंड पॉइंट होता है। अगला है नेक्स्ट पॉइंट, लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स। इट हैज डेफिनेट फिक्स्ड लेंथ। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी फिक्स लेंथ है। तो ये है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट। ये एक लाइन का ही पार्ट होता है जो जिसके कि दो एंड पॉइंट होते हैं। इट हैज़ फिक्स्ड लेंथ। इसकी फिक्स लेंथ है ये यहाँ से यहीं तक। ये आगे ना इधर से बढ़ सकता है ना इधर से बढ़ सकता है। ये दो इसके एंड पॉइंट हैं। शेप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेप। फर्स्ट है ओपन शेप, ये जो यहाँ से यहाँ तक है जहाँ से थोड़े बहुत खुले हुए हैं इनको बोलते हैं ओपन शेप। सेकेंड है क्लोज शेप, ये हर तरफ से बंद है, ये कहीं से भी खुले हुए नहीं है, तो इनको बोलते हैं क्लोज शेप। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर मेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स। इट हैज़ थ्री साइड, थ्री वर्टिक्स एंड थ्री एंगल्स। ये है ट्रायंगल जो कि एक क्लोज फिगर है, ये कहीं से भी ओपन नहीं है। मेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स, इसमें थ्री लाइन सेगमेंट है, वन टू और थ्री। इट हैज़ थ्री साइड, इसकी थ्री साइड है, वन टू थ्री, और थ्री वर्टिक्स है।
एंड थ्री एंगल्स, इसके थ्री एंगल्स हैं। ये है ट्रायंगल और इसकी डेफिनेशन है, ए ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स, इट हैज थ्री साइड, थ्री वर्टिक्स एंड थ्री एंगल्स। थ्री साइड्स, थ्री वर्टिक्स एंड थ्री एंगल्स। नेक्स्ट पॉइंट है रेक्टेंगल। ए रेक्टेंगल इज ए क्लोज्ड फिगर मेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स, इट हैज फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स, ईच एंगल 90 डिग्री, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये क्या है, ए रेक्टेंगल इज ए क्लोज्ड फिगर, ये है क्लोज्ड फिगर मेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स, इसमें फोर लाइन है, 1 2 3 4, फोर लाइन सेगमेंट्स ही बन रहा है। इट हैज़ फोर साइड्स, इसके फोर साइड्स हैं ये, और फोर एंगल्स हैं, इसके फोर एंगल्स हैं, और इसका ईच एंगल है यानी कि प्रत्येक एंगल क्या है 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी और ये भी, इसके सारे जो एंगल हैं रेक्टेंगल के वो 90 डिग्री के होते हैं। इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका जो अपोजिट साइड है यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये एक दूसरे के बराबर है, और इसका अपोजिट ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों बराबर है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। तो ये है रेक्टेंगल और इसकी डेफिनेशन है, ए रेक्टेंगल इज ए क्लोज्ड फिगर मेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स, इट हैज़ फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स, ईच एंगल 90 डिग्री, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। नेक्स्ट पॉइंट है स्क्वायर। ए स्क्वायर इज ए क्लोज्ड फिगर मेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स, इट हैज फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स, ईच एंगल 90 डिग्री, इट ऑल साइड्स आर इक्वल। ये है स्क्वायर, यह है एक क्लोज्ड फिगर, स्क्वायर इज ए क्लोज्ड फिगर मेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स, इसमें फोर लाइन है, 1 2 3 4, ये फोर लाइन सेगमेंट से बन रहा है, और इट हैज़ फोर साइड्स, फोर साइड्स इसकी एंड फोर एंगल्स, इसके फोर एंगल्स हैं, ये सारे एंगल भी 90 डिग्री के हैं, ईच एंगल 90 डिग्री, इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल है, यानी ये 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 और ये चारों जो साइड्स हैं एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये है स्क्वायर, जिसमें सारे साइड्स बराबर होते हैं वो होता है स्क्वायर, और जिसमें आमने सामने के यानी कि अपोजिट साइड्स के जो इक्वल होते हैं वो होता है रेक्टेंगल, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कल। ए सर्कल इज ए क्लोज्ड फिगर हैविंग नो साइड्स एंड नो वर्टेक्स। ये है एक क्लोज्ड फिगर, इसका ना कोई साइड है ना ही वर्टेक्स है, इसका एक बीच में पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर बोलते हैं सर्कल का। ये है सर्कल, इसकी डेफिनेशन है, ए सर्कल इज ए क्लोज्ड फिगर हैविंग नो साइड्स एंड नो वर्टेक्स। आई होप आप सबको ये सारी डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आ गई हो, पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो लाइक ऐसे लेटर, निबंध, पत्र, पैराग्राफ, डेफिनेशंस, इस तरह की वीडियो आगे और मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।